कब हमें शॉर्ट साउंड पढ़नी है और कब हमें लॉन्ग साउंड पढ़नी है। तो इसके लिए आपको सिंपल याद रखना है बच्चों, वेलकम टू माई चैनल ग्रो अप माई किड्स। और आज हमारी 16th क्लास है इंग्लिश की, और लास्ट मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में हम करेंगे अपने लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल की डिफरेंस समझेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस होता है और इसे कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले एक बार मैं वॉवल्स आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप सबको वैसे पता ही है बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ए ई आई O, U, ये हमारे वॉवल्स हैं। तो बच्चों अगर हम वॉवल्स का शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें वॉवल की शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साउंड के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले लेते हैं ए को। ए का जो शॉर्ट साउंड आएगा वो आएगा ए, और जो बड़ा साउंड आएगा वो आएगा बड़ा ए। जैसे बैट तो हमें पता ही है, लेकिन जब बड़ा ए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जैसे केक, एक थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, केक, केक खाना है मुझे, हम कैक नहीं बोलते, केक। बैट है यहां पर भी ए और यहां पर भी ए, लेकिन एक को हम जल्दी से बोल रहे हैं और एक को हम थोड़ा खींच कर बोल रहे हैं। तो यही फर्क होता है शॉर्ट और लॉन्ग वॉइस में, ठीक है। तो वॉवल को कब हमें शॉर्ट साउंड में बात करनी है और कब हमें लॉन्ग साउंड में बात करनी है। इसी तरह से ई का होगा, ई का जो शॉर्ट साउंड होगा वो ए ही होता है, जैसे बैट। लेकिन जो लॉन्ग साउंड होगा वो बड़ी ई होगा, जैसे फीट, फीट, लीफ। तो ये इसका लॉन्ग साउंड होगा। नेक्स्ट आई, आई का बच्चों शॉर्ट साउंड होगा ई, जैसे बिग, और आई का लॉन्ग साउंड होगा आई, आई, जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम, आयरन, इस तरह के वर्ड्स होंगे। ओ, ओ का शॉर्ट साउंड आपको पता ही है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल डॉग ओ होता है, और जो लॉन्ग साउंड होगा ओ का वो होगा ओ, यानी बड़ा ओ, जैसे क्लॉक, ऑक, जो बड़ा ओ औरत वाला होता है इस तरह का साउंड आएगा, ओ, डॉक, क्लॉक, ओ की आवाज आएगी। तो लॉन्ग और शॉर्ट साउंड में फर्क पता चल रहा है आपको। लास्ट वॉवल है हमारा यू, और यू का शॉर्ट साउंड होता है बेटा अ, और लॉन्ग साउंड होता है ऊ, शॉर्ट साउंड अ, लॉन्ग साउंड ऊ। एग्जाम्पल सन, सन, बन, ये हमारे शॉर्ट साउंड के एग्जाम्पल है यू के, और बड़ा ऊ किसमें आता है बच्चों, जैसे क्यूट, क्यूट, ऊ की आवाज आएगी। तो अब समझने वाली बात ये है कि कब हमें शॉर्ट साउंड पढ़नी है और कब हमें लॉन्ग साउंड पढ़नी है। तो इसके लिए आपको सिंपल याद रखना है बच्चों कि जब भी दो कॉन्सोनेंट हो और उसके बीच में वॉवल हो तो हमें शॉर्ट साउंड पढ़ना है, जब भी बीच में वॉवल हो या कोई एक वॉवल हो तो हमें शॉर्ट साउंड पढ़ना है। लेकिन जब किसी भी वर्ड में दो वॉवल आ जाते हैं, जब भी किसी वर्ड में दो वॉवल आ जाते हैं तो हमेशा जो पहला वाला वॉवल होगा उसके साउंड को हम लॉन्ग पढ़ेंगे। जब भी किसी भी वर्ड में दो वॉवल आ जाते हैं तो जो पहला वाला वॉवल होगा उसकी साउंड को हम लॉन्ग पढ़ते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लेते हैं ए का एग्जाम्पल। कैट तो सबको पता है, लेकिन केक, पहला वाला वॉवल ए है तो क्योंकि हम ए के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अभी, तो ए की साउंड बड़ी हो जाएगी। कैट है, एक वॉवल है तो कैट पढ़ेंगे, शॉर्ट साउंड है, लॉन्ग साउंड है, दो वॉवल आ गए मतलब लॉन्ग साउंड पढ़ना है, और पहले वाले का लॉन्ग साउंड पढ़ना है, पिछले वाले का नहीं पढ़ना है, केक, ठीक है। इसी तरह से और कौन से वर्ड्स होते हैं, बेक, फेक, और हम एरोप्लेन पढ़ते हैं ना बच्चों, इसमें भी देखो एरो, ए, इसमें यहाँ पर वॉवल आ गया,
यहाँ पर पहला वॉवल ए है तो एरो, अब प्लेन, यहाँ पर प्लेन में भी देखो ई और ए, ए यहाँ पर पहला है तो इसके आप बड़ा पढ़ रहे हैं, प्लान नहीं पढ़ रहे इसको, प्लेन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से ई हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, समझ में आ रहा है, जैसे ही ई लगा प्लेन हो गया, ई को हटाया प्लान हो गया। तो सिंपल सी बात है, जब भी दो वॉवल एक साथ आ जाए किसी वर्ड में तो पहले वाले वॉवल का जो साउंड है वो लॉन्ग हो जाता है और दूसरे वाला जो वॉवल है उसका साउंड साइलेंट हो जाता है, उसे हम सीधा सीधा फोनिक के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, दैट्स अ ओनली रूल फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट। दूसरा वॉवल है बच्चों हमारा ई, इसका जो शॉर्ट के एग्जाम्पल है जेट, बैट, बैट, और जिसके लॉन्ग एग्जाम्पल है वो है फीट, मीट, बीट। इसमें ई पहले है और दूसरा वॉवल बाद में है, तो पहले वाले की जो साउंड होगी वो बड़ी ई हो जाएगी, फीट, मीट, बीट, समझ आया। नेक्स्ट वॉवल कौन सा होता है बच्चों, आई, आई का शॉर्ट एग्जाम्पल क्या है, फिश, डिश, इसमें एक ही वॉवल है। लॉन्ग वर्ड्स कौन से होंगे, काइट, अब समझ आया काइट क्यों बोलते हैं, किट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि दो वॉवल है और पहले वाले का साउंड जो है वो बड़ा आ जाएगा, आई आ जाएगा, यहां हम आई को ई पढ़ रहे हैं और यहां हम आई को आई ही पढ़ रहे हैं, काइट, बाइट, लेकिन अगर हम ई हटा देंगे यहां से, दूसरा वॉवल हटा देंगे तो ये किट हो जाएगा, ये बिट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरा वॉवल आया तो ये बाइट हो गया, ये काइट हो गया, फर्क समझ आया। ओके चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओ, ओ के शॉर्ट एग्जाम्पल कौन से हैं, डॉग, लॉग, इसमें सिंपल ओ की आवाज आएगी, लेकिन जब हमारा लॉन्ग साउंड होगा तो जैसे होगा रो प, इसमें दो वॉवल आ गए तो पहला वर्ड हमारा ओ है तो इसकी लॉन्ग साउंड आएगी, बड़े ओ की आवाज आएगी, रोप, खींच कर बोलेंगे रोप। दूसरा वर्ड बोट, दो वॉवल आ गए तो ओ की आवाज बड़ी हो जाएगी, बोट, तो फर्क समझ आया। यू की शॉर्ट एग्जाम्पल है सन, बन, गन, इन सब में अ आ रहा है, इन सब में अ की साउंड आ रही है। लॉन्ग साउंड के एग्जाम्पल है क्यूट, म्यूट, यूनिकॉर्न, इन सब में दो दो वॉवल है, यू ई, यू आई, बड़ा साउंड पढ़ेंगे यू का तो हमारा साउंड क्या होगा, बड़ा ऊ, क्यूट, म्यूट, यूनिकॉर्न, ऊ की आवाज आएगी और यू भी होगा, यानी य पे ऊ की मात्रा लग जाती है, यू की आवाज आती है, यू, क्यूट, म्यूट, यूनिकॉर्न, खाली यू नहीं य पे ऊ की मात्रा। शॉर्ट वॉवल साउंड यानी एक वॉवल आता है वर्ड में, और लॉन्ग जब पढ़ते हैं जब हमारे दो वॉवल होते हैं एक ही वर्ड में। क्लियर है बच्चों, तो जब भी दो वॉवल आएंगे तो जो पहले वाला वॉवल होगा उसका साउंड बड़ा आएगा और दूसरे वाले का क्रॉस कर देंगे। ये जो वर्कशीट आपको अब स्क्रीन पर दिख रही है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग करना है, इन वर्ड्स को नोटबुक में लिखना है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब किया करो, बिकॉज मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, लगता है सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, और बेल आइकन को दबा दिया करो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी बच्चों और ये बहुत ज़रूरी था समझाना कि कब हमें वर्ड को लॉन्ग पढ़ना है और कब शॉर्ट पढ़ना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मेरी बात समझ आई होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।